जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट थर्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे छात्र हैं, कुछ एक नहीं लाखों ऐसे छात्र हैं जो कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिक्तियों का। रिक्ति यानी कि हर एक विषय में कितने पदों की वैकेंसी आएगी, ऑफिशियल अभी डेटा नहीं आया है। वैसे यहाँ पर कुछ संवाददाता हैं जो कि न्यूज मीडिया से हैं और उन्होंने अपडेट दिया है कि देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड में अगर प्राइमरी की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 30,000 की वैकेंसी आ रही है। क्योंकि आज हम लोग बात भी करेंगे प्राइमरी के लिए, तो 30,000 वैकेंसी आ रही है और फेज वन और फेज टू का जितना भी रिक्त जो सीट है वो बचा हुआ उसको शामिल किया जाएगा फेज थ्री में। और कुल मिला के फेज थ्री में जो है आपका 83 से लेकर 90 हजार, मतलब 87 से 90 हजार के आसपास का वैकेंसी आने वाला है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग तो आपको वीडियो बना दिया है कि आप कोई भी क्लास के छात्र हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पीआरटी से संबंधित है, यानी कि प्राइमरी 1 to 5 के लिए। आपके कुछ सवाल आ रहे थे कि सर हमारे पास जैसे कि सीटेट पेंट पेपर वन और सीटेट पेपर टू, जो की कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए आवेदन करना चाहते हैं छात्र, उनको पेपर टू देना होता है, और 1 to 5 के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं छात्र उनको पेपर वन देना होता है। तो पेपर वन का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया, हाँ आंसर की दे दिया गया है जनवरी वाला। तो देखिए जिनके पास रिजल्ट है ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी वो पहले से पास है सीटेट का, तो वो अपना फॉर्म भर के यहाँ पे बिल्कुल तैयार रहिए और तैयारी में लगे रहिए परीक्षा के लिए, यहाँ पे तैयार रहिए। लेकिन जो कैंडिडेट अपियरिंग वाले हैं, यानी कि जनवरी में जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है पेपर वन पेपर टू का, उनके अंदर बहुत संशय बना हुआ है कि वो आवेदन करेंगे कैसे। क्योंकि वैसे भी देखिए उनके पास आवेदन करने का तो मौका है क्योंकि आंसर की दिया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने एक वीडियो भी बना के आपको अपडेट किया था कि जो सीटेट है उसका रिजल्ट जो है 17 या 18 तारीख तक आने की संभावना है। तो रिजल्ट जो है आपका 17-18 तक आएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकेंगे वैसे भी। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए जितने भी छात्र हैं, और फॉर्म को कैसे भरना है ये इस वीडियो में हम थोड़ा सा बता देंगे, और इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन एक सवाल और मैं करना चाहूंगा सरकार से, आयोग से, कि देखिए फॉर्म भरवाने का तो जिम्मेवारी दे दी है सबको, आप लोग अपना सभी कोई फॉर्म भी भर रहा है, लेकिन उन छात्रों का क्या जो कि ओवर एज में है? ओवर एज वाले छात्रों को मौका सर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए टीआरई वन और टीआरई टू का ही जो बचा हुआ सीट है वो टीआरई थर्ड में दिया गया है। इसका मतलब इसमें कोई नए छात्र तो नहीं आ रहे। अब जो नए छात्र नहीं आ रहे हैं और टीआरई थर्ड टीआरई वन और टू में ओवर एज वाले छात्र को मौका दिया गया था, तो इस बार उनको बाहर क्यों? सवाल बनता है। हो सकता था कि ये टीआरई थर्ड में नए छात्रों को मौका देते, मतलब कि अपियरिंग वाले कैंडिडेट आते, एसटीईटी अपियरिंग, पीजी अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, बीएड अपियरिंग या सीटेट अपियरिंग, ये लोग अगर एंट्री करते तो यह बात तो होती यहाँ पे कि चलो भाई नए कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जब नए कैंडिडेट को मौका नहीं है और पुराना वो कैंडिडेट ही अपनी मांग कर रहा है, चूंकि उनको तो छूट देना ही चाहिए, 10-12 साल से आप लोगों ने कोई वैकेंसीज नहीं निकाली, 3 महीने 4 महीने के अंदर में 3-3 लाख 4-4 लाख वैकेंसी का अपडेट दे दिया, तो इससे लॉस किसका है? छात्रों का लॉस है। तो उनको मौका दीजिए ना जो कि ओवर एज में है यहाँ पे लोग, और वो अपनी मांग जायज कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे कोई ये गलती नहीं हो रही कि बार बार मांग करे। आपको उनको 4 से 5 अटेम्प्ट और देने चाहिए ओवर एज वालों को, ताकि सबका सिलेक्शन हो सके। किसी छात्र का एकदम कट ऑफ पे आके सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी का कट ऑफ से 1 या 2 या 3 नंबर से कम रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनका गलती नहीं है, गलती जो है आप लोगों की है। एग्जामिनेशन जो टीआरई टू में आप लोगों ने लिया है उसमें से हिंदी वाले संकाय को 0 कर दिया, यानी कि सबको पास कर दिया। अब वहां पे अगर हिंदी ऐसा बैरियर रहता कि सबको वहां पे पास या फेल होने से डर रहता, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते कि फेल होते और उनका सिलेक्शन जो है इस वजह से होता कि उनका जो अच्छा स्कोर ओवरऑल आया है तो उनमें उनका सिलेक्शन हो पाता। तो नियामली बदली आप लोगों ने, और आज मौका भी उनको नहीं दे रहे हैं जो छात्र यहाँ पे एज का मांग कर रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ओवर एज वाले छात्रों को मौका दिया जाए, और जितने ओवर एज वाले छात्र हैं मैं उनको कहूंगा कि आप लोग शिक्षा विभाग जाइए, हर 2 दिन 3 दिन पे इधर 5-5 लोग का 6-6 लोग का ग्रुप बना के जाइए, अपना लेटर लेके आवेदन दीजिए, वहां पे मांग कीजिए शिक्षा विभाग में, या फिर शिक्षा मंत्री जो है उनसे मिलिए, इस सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी तभी आपको मौका मिल पाएगा। नहीं तो अगर टीआरई थर्ड में आपको मौका नहीं मिला तो टीआरई फोर का भूल जाइए कि आपको वहां पे आपको बैठने को भी मौका दिया जाएगा। चलिए तो ये तो हमारी बात हो गई, लेकिन आप लोग
जो है अपनी लड़ाई खुद भी लड़िए, सिर्फ यहाँ पे कमेंट करने से और ना तो सिर्फ रिक्वेस्ट यहाँ पे करने से नहीं होगा, ट्विटर पे भी जाके आप ग्रुप बना के जो है ना ट्विटर पे ट्वीट करवाइए सभी ग्रुप में मेंबर से कि आप लोगों को मौका दिया जाए, नहीं तो फिर हाथ में हाथ धरे रखे बैठिएगा तो भाई आपके लिए लड़ने के लिए तो कुछ लोग खड़े होंगे लेकिन फिर बाद में सब कोई पीछे हट जाता है। ठीक है, तो अपना ख्याल और अपना लड़ाई खुद लड़िए। चलिए, एज की तो बात हो गई लेकिन फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा जो भी छात्र है वेबकैम अपना इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे हैं आप लोग तो वेबकैम के सामने खुद बैठ के अपना फोटो अपलोड करवाइएगा क्योंकि यहाँ पे स्कैन फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। दूसरी चीज कि कुछ छात्र हैं जो कि पूछ रहे थे कि सर जो 9 टू 10 या 11 टू 12 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारा एसटीईटी का जो है ना अभी मार्कशीट मिलना शुरू हो चुका है, अब देखिए हर जिला का मार्कशीट मिलना शुरू हो चुका है तो हम लोग अपना वही मार्कशीट अपलोड कर दें या फिर बीएसईबी जो वेब कॉपी दिया था हम लोग को वही, और बहुत सारे जिलों में अभी मिलना शुरू नहीं हुआ तो देखिए एक दो दिन में सब जिला में मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है बीएसईबी की वेब कॉपी से वो भी टेंशन वाली बात नहीं है उनको, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखला रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू करता हूँ अब यहाँ से है ना, एक एग्जांपल दिखला रहा हूँ आपको। ये देखिएगा अभी हाल ही में ना पूरक रिजल्ट दिया गया था किसका, 27/2023 के वैकेंसी को लेकर जो बीसीईबीसी कल्याण विभाग का, इनमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया ना उनको ये बोला जा रहा है कि देखिए जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप लोग ऑनलाइन होकर जो है यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ऐसे प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है जो दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक है, वैसे प्रमाण पत्र आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी जो है 15 फरवरी तक जो है आपको समय दिया गया, तो आज लास्ट डेट है इनके लिए, तो ये आप लोग जो है ना अपना अपलोड कर दीजिएगा तो इसी तरह जो है आपको भी चांस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी एसटीईटी का जो है ना उस समय अपलोड कर दीजिएगा अगर नहीं अभी कर पाएंगे तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और सभी जिले का बटना शुरू हो चुका है, मैं आपको वो भी दिखला दूं। ये देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है आपका पूर्णिया जिले का है और यहाँ पे ये देखिएगा तो मधुबनी का है, ये सारा एड्रेस दिया गया, ये मैंने टेलीग्राम पे सब शेयर कर दिया आप लोगों को, और ये है आपका बक्सर जिले का कहाँ कहाँ आपको मिलेगा और पेपर वन पेपर टू किस दिन मिलेगा ये सब कुछ डेट वाइज दिया गया यहाँ पे, तो इस बीच में जाके आप लोग अपना ले लीजिएगा कि एनी हाउ। ठीक है, और नहीं भी ले पाए मान लीजिए कि छूट गया तो बाद में कभी अगर आप आते हैं अपने जिला में तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। ये आरा का है, इनके द्वारा ये लिपिक के नाम दिए गए हैं, इनके द्वारा आपको ये वितरित किए जाएंगे भोजपुर में आरा में। ठीक है, फिर उसके बाद ये है आपका पटना जिला का, पटना जिला में तीन डेट दिया गया 18, 24, 25 और 26, चार डेट दिया गया है जो कि आपको जो है जाकर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे संख्या ज्यादा है 80,000 कैंडिडेट को यह रिजल्ट कार्ड बांटना है तो इसलिए चार डेट दिया गया है। ठीक है, तो हर दिन हो सके 20,000 का स्लॉट बना के बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये पटना का, पटना में अदर स्टेट वाले छात्र भी जाके अपना जो है वो ले सकते हैं जो कि आपका एसटीईटी का स्कोर कार्ड है, और देख लीजिएगा कोई किसी प्रकार की उस पर त्रुटि है तो सुधार करने के लिए फिर आपको बीएससी भी जाना होगा है ना, ये चीजें हैं। साथ ही इसकी अधिसूचना जो है इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी, और कृपया सभी अभ्यर्थीगण से है कि धैर्य के साथ सहयोग करें और निर्धारित होने पर ही कार्यक्रम के अनुसार चिन्हित स्थल पर पहुंचे और प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लेके जाए। देखिए पहचान पत्र प्रवेश पत्र के बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाया है, ये वाला जो है ना ये जो एक वीडियो था हमारे पास पीडीएफ उसका मैंने अपडेट किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी अन्य जिलों का भी जैसे आएगा हम आपको खबर करते रहेंगे, हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा वहां पे सारा पीडीएफ हम डाउनलोड करने के लिए अपलोड करते रहे। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा अपना अपना जिला का। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप आएंगे इस पेज पे, आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है 1-5 के लिए अगर आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो। ठीक है, और जिनके पास सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो 17-18 तक वेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपियरिंग वालों को शायद मौका ना मिले अगर नहीं आएगा 23 तक तो, लेकिन है ये कि 2-3 दिन आपके पास समय है जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, और जितने लोगों के पास है वो भरना लेकिन शुरू कर दीजिए। लगभग 30,000 की वैकेंसी है और वैकेंसी कम भी रही तो अटेम्प यहाँ पे जाएगा आपका, तो अटेम्प वाला जो है सिस्टम अब 5 बार का हो जाएगा, तो इसलिए टेंशन भी नहीं है, आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट कैंडिडेट नेम आपको अपना नाम डालना है, मिडिल नेम और आपका जो है लास्ट नेम जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, फादर नेम अपना जो कि सर्टिफिकेट पे है नाम ध्यान रखिएगा, हस्बैंड अगर महिला है तो अपना हस्बैंड का नाम डालेंगे, यहाँ मदर का नाम और यहाँ पे आधार कार्ड, आधार कार्ड अगर नहीं क्लिक किया तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा अगर आप इन दोनों पे क्लिक करते हैं तो, कोई पहचान पत्र देते हैं तो देना जरूरी है कोई एक पहचान पत्र,
आधार कार्ड देते हैं तो आप उसका नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड का जो है पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा। 100 से 200 KB के बीच में आपका फाइल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इंडियन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, बिहार के निवासी है तो यस पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र आपका मांगेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगर आप बिहार से नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सब चीज नहीं मांगेगा। लेकिन बिहार के हैं तो ये डालकर और इसका जो है रेसिडेंशियल जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब जो महिला का शादी बिहार में हुआ है और वो यूपी की है या बंगाल से है या फिर झारखंड से है तो वो लोग जनरल कैटेगरी में आएगी, वो लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। भले ही आपका शादी यहाँ हो गया है, यहाँ पे आपको जनरल से, क्यों? क्योंकि उनका जो है फादर का एड्रेस से जो है आपको रेसिडेंस बनाएगा तो रेसिडेंस काम यहाँ आएगा नहीं, है ना। तो फादर के एड्रेस का रेसिडेंस बनवाना है ना उनके आधार पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे बाकी लोग यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर यहाँ पे बोला गया, रिजर्वेशन कैटेगरी पे अगर है आप तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। है जैसे आप मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, है ना। तो आपके सामने यहाँ कास्ट का नेम पूछेगा, किस कास्ट से है, सर्टिफिकेट नंबर जो बनवाए हैं आप लोग जो है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप बीसी या ईबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे एनसीएल का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा, एनसीएल यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। वही सर्टिफिकेट नंबर और डेट इशू जो जिस दिन का हुआ है, बना है, उस डेट को डालिएगा, ठीक है। और ये अथॉरिटी बिहार भाई साइन कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर आर ओ का साइन होता है, आप लोग भी जानते होंगे, है ना। इसलिए बिहार इस पर क्लिक कीजिएगा, अदर मत कीजिएगा। एनसीएल सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट डालने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर डालिएगा, डेट डालिएगा और यहाँ पे जो है अपना बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला ही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जाति सर्टिफिकेट नहीं बनता आपका, ईडब्ल्यूएस में आपका जाति बताया रहता है, ठीक है। ये चूंकि वित्तीय प्रमाण पत्र है ये भी, और ये भी दोनों जो है वित्तीय प्रमाण पत्र ही है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे भी है और इसको अपलोड कर दीजिएगा अगर आप इससे संबंधित है तो। फिर नीचे आइएगा और अच्छा देखिए, अगर आप एस सी एस टी से हैं, है ना, तो यहाँ पे एक सवाल और पूछेगा आपसे, नीचे आइएगा तो मैं आपको दिखलाऊंगा अभी। जैसे कि आप मान लीजिए फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या नहीं है, तो नहीं है तो अनमैरिड पे कर लीजिएगा, है तो भाई मैरिड कर लीजिएगा, और विडोज है तो अदर पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर है बताइएगा यहाँ से, है ना। तो मेल है तो मेल पे, और यहाँ पे देखिएगा ग्रैंड सन यानी कि जो फ्रीडम फाइटर के संबंधित है या नहीं आप लोग, तो नाती पोते हैं अगर उनके ग्रैंड जो कि फ्रीडम फाइटर में लड़े हैं लोग, तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, देखिए ठीक है, उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। पीएच कैटेगरी से अगर आप हैं तो किस कैटेगरी में आपका जो है यहाँ पे है वो बताना होगा और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये दिव्यांगता के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी होगी, इसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और किस कॉलेज से आपने बनवाया है, उसको अपलोड कीजिएगा उस पीडीएफ को, ठीक है। ये समझ गए, मान लीजिए ये नहीं है छात्र तो नो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ भी नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। फिर आप देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे एस सी एस टी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एस सी एस टी सिलेक्ट करते हैं तो पूछेगा यहाँ पे कि देखिए आप क्या यहाँ पर जो है अपना इस कैटेगरी से हैं, डिजेबल कैटेगरी से या एस सी एस टी कैटेगरी से, तो आप इसका छूट लेना चाहेंगे तो यस पे क्लिक जरूर कर दीजिए। ये कंसेशन फी में आपको छूट मिलेगा, 200 रुपये आपसे फीस चार्ज ही लिया जाएगा, ठीक है। 200 नहीं, मतलब जो भी होगा फीस आपसे लिया जाएगा, 250 शायद है ना। और यहाँ पे देखेगा तो ये है आपका एक सर्विस मैन के लिए, यस है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर किया है तो आपको उसका डिटेल देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, अपलोड सर्टिफिकेट वगैरह, है ना। नहीं तो नहीं है तो भाई नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर नहीं लेना चाहते तो 700 रुपये फिर आपसे लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे तो ये बोल रहा है कि क्या आप जो है पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, तो देखिए आप प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप प्राइमरी के लिए फिर फॉर्म तो भर के आवेदन करेंगे, ठीक है। हाँ, बीपीएससी का जरिए आप राज्यकर्मी बनने की कोशिश कीजिएगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा। फिर अपना जो है डेजिग्नेशन बताइएगा, कौन सी पोस्ट पे है आप, स्कूल का नेम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, और आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा जब आप ज्वाइन करेंगे नियोजित शिक्षक के तौर पे, तो वो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पे बताना होगा, ठीक। और ये उसको अपलोड भी कर देना होगा यहाँ से, ओके। तो ये तो हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ आप लोगों ने एक 2012 से पहले के अगर आप शिक्षक होंगे तो एक दक्षता परीक्षा भी आप लोगों का भी हुआ होगा, तो आप वो आगे मांगेगा फिर आपसे, नहीं है तो भाई नो पे आगे करके बढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यही पे मेन काम है। तो आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, 1 to 5 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो एक तो पता होना चाहिए कि हम शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक कीजिएगा।
कल्याण विभाग में भी अगर 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा कि भैया हम हिंदी या बंगला या उर्दू से देना चाहते हैं, ठीक। फिर ऊपर आइएगा, ऊपर आइएगा तो यहाँ पूछेगा कि आपके पास कौन सा पात्रता परीक्षा है। तो भाई आपके पास सीटेट है तो उसको पात्रता परीक्षा कहते हैं। तो आपके पास सीटेट पेपर 1 के लिए ही आपसे फॉर्म भर रहे हैं, मैंने इस वीडियो को उसी लिए बनाया है। तो सीटेट पेपर 1 पे क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ पे 6 to 8 के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, है ना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्लिक करना है और बाकी नीचे नहीं क्लिक करना है, ठीक है। फिर ऊपर आएंगे तो सिर्फ आपके सामने एक ये ऑप्शन खुलेगा जिसमें कि बोलेगा, चूंकि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन है कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए, ठीक। और जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 12th पास के आधार पे भी और ग्रेजुएशन के आधार पे भी। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे है दिया हुआ, बिल्कुल दिया है सर, तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ओके। अब बाकी जो है काम आपको नीचे आना है, ये सब कुछ आप लोग जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा सीटेट पेपर 1 का, कब आपको जो है इशू हुआ है और उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको करने के बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्योंकि देखिए 1 जनवरी मैंने डाला और यहाँ पे चूंकि SC से मैंने अप्लाई किया था इसलिए एज का छूट जो है ना उनके एज के अनुसार जो रिलेक्सेशन दिया गया है 37 साल के अनुसार वही दिया गया है। तो इतने साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो 1 to 5 के लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि 50% आपका होना चाहिए 12th में और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि डीएलएड में जो है ये आपका डिग्री होना चाहिए, या 45% है आपका 12th में, ये ध्यान रखिएगा, और साथ में डीएलएड किया है आपने, और जो कि नियमावली जो 2002 का विनियम नियमावली है अगर उसके अनुसार आपने डीएलएड किया है तब तो आप 45% से आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य से है किसी भी स्टेट से है आप, है ना, मतलब ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 50% ही आपको देना है मार्क्स, ध्यान रखिएगा, होना चाहिए, और डीएलएड भी आपका होना चाहिए क्लियर। लेकिन अगर आपने 2002 के नियमावली के अनुसार अपना डिप्लोमा किया है तो आपको 45% 12th में भी है तो चलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 50% अंकों के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये अगला क्राइटेरिया है, और 4 साल का आपने डीएलएड जो किया है, बीएलएड जो किया है ना, बीएलएड है ना, ध्यान रखिएगा बीएलएड, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 12th के बाद जो इंटीग्रेटेड लोग करता है वो लोग भी आवेदन करेगा। फिर या तो 50% के साथ यहाँ पे है आपका और शिक्षा शास्त्र में यानी कि संस्कृत के हैं आप, शिक्षक विशेष शिक्षक हैं, सॉरी यहाँ पे विशेष शिक्षा के हैं यानी स्पेशल एजुकेटर हैं आप, तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा डिप्लोमा किए हैं उस सेक्टर में तो। और स्नातक स्तर पर अगर आपने यहाँ पे किया है BTC या फिर DLED तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ओके कर लीजिएगा। सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, तो यहाँ पे सामान्य आपको चूज करना है, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मतलब चूंकि 1 to 5 में क्या होता है सामान्य के लिए हम आवेदन, लेकिन जैसे कि SC ST में पिछली बार क्या हुआ था कि सिर्फ उर्दू के लिए वैकेंसीज थी, बंगला के लिए थी, हिंदी के लिए नहीं थे, तो हिंदी को हम सामान्य समझे, यहाँ पे हमें सामान्य करना। आपका क्या है यहाँ पे, उर्दू के लिए आप देना चाहते हैं या बंगला के लिए देना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने सिलेक्ट किया है। फिर एड्रेस डालना है यहाँ पे और अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, जो छात्र जो है ना अपना सर्टिफिकेट जो भी बनवाए उससे कोई मतलब नहीं, ये एड्रेस मांगा जाता है आपसे कम्युनिकेशन के लिए कि आप जहाँ रहते हैं आपकी जांच कभी होगी तो उसके लिए। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और जैसे ये एड्रेस दोनों सेम भी डाल सकते हैं या अलग अलग भी डाल सकते हैं, है ना। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जो महिला छात्राएं हैं ये मत सोचिएगा कि ये जो है हमको एड्रेस जो वही डालना है जो कि हमारे पिता का है, नहीं, या पति का है, ये अलग अलग मत डालिए। ये आप लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं प्रेजेंटली जो आपका निवास स्थल है वो डालिए अपने, ठीक है। इससे हमारा सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो चीजें हैं मेंशन कीजिएगा, यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाँ यस पे क्लिक करके इसको छोड़ दीजिएगा, हमारे पास सारे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फिर अपना ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पे डाल के वेरीफाई कीजिएगा और यहाँ पे जो है एक मोबाइल नंबर डाल के OTP लाइएगा, OTP यहाँ पे डालिएगा और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के और फाइनल रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो वाला ये बनाया है, इसी के आधार पे वो भी बनेगा, ठीक है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, पेमेंट कीजिए और अब समय बहुत कम है इसलिए वेट करना अब खत्म कीजिए। सीटों का इंतजार कर रहे हैं, सीट आएगा ही, आप फॉर्म भरेंगे। हाँ, जो अपियरिंग वाले हैं उनको उनके लिए इंतजार रहेगा, तो इंतजार करिए 17-18 तक सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।